खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं अब पांचवें चरण का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी करण भूषण के साथ समर्थक भी अब कमर कस चुके हैं और लगातार नुक्कड़ सभा रैली का आयोजन होता दिख रहा है। वहीं करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह जनसभा करते हुए दिख रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं 33 वर्ष की उम्र में सांसद बना था, आज मेरा बेटा 33 वर्ष की उम्र में सांसद बनने जा रहा है। और जिन साथियों ने मान लिया, आप बारी बारी मंच के नीचे दबदबा है, रमेश सुहारती अपनी बात रखने का कष्ट करें। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष, एक बार जोर ताली ताली बजा कर स्वागत करिए। अभी खेला बाकी है, पक्का अभी खेला बाकी है। हम कोनो इतना बेकार काम नहीं किया, वही है वही नाम है राजा का, लेकिन कटरा कम से कम 100 लाख पार। और इसलिए कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो साजिश कर रहे हैं, ये आपका पढ़ा हुआ वो उनके गाल का तमाचा होगा, गाल लाल लाल हो जाएगा। जब यहाँ से लाखों वोट ज्यादा मिलेंगे तो गाल लाल लाल हो जाएगा, उनको सही जवाब मिल जाएगा कि किसी से पाला पड़ा है। वही है वही जो राम रच रखा और राम जी ने रच रखा है, कटरा से इस बार 100 लाख पार।